राज्य स्तरीय बाल महोत्सव में लगभग 5 लाख प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। 23 प्रतिभागियों के 73 वर्गों में लगभग 3.5 लाख लड़कियों और 1.5 लाख लड़कों ने भाग लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सही मायनों में सार्थक किया है। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय ऑनलाइन बाल महोत्सव की उपलब्धियों को लेकर मानद महासचिव कृष्ण ढुल ने आज यहां चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव में लगभग 5 लाख प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। यह एक ऐतिहासिक आयोजन रहा है। 23 प्रतिभागियों के 73 वर्गों में लगभग 3.5 लाख लड़कियों और 1.5 लाख लड़कों ने भाग लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सही मायनों में सार्थक किया है। उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव को विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग 1 करोड़ लोगों ने देखा और प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया। ढुल ने कहा कि कोविड-19 के चलते ऑनलाइन माध्यम से मनाए गए बाल महोत्सव में बच्चों की 4,35,000 एंट्रियां आई हैं। जिला स्तर पर यह महोत्सव 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक पूरे प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से संपन्न हुआ। प्रदेश भर में जिला स्तर पर 13,000 से अधिक विजेता बच्चों को लगभग 22 लाख रुपए के पारितोषिक वितरित किए गए। वहीं राज्य स्तर पर विजेता 592 बच्चों को 40 लाख रुपए के पुरस्कार वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन रूप से आयोजित होने वाला ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव सबसे बड़ा इवेंट माना जा रहा है। इसे लिम्का बुक, गिनीज बुक और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रमों में प्रदेश के सभी केंद्रीय मंत्रियों तथा कैबिनेट मंत्रियों राज्य मंत्रियों ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की व बच्चों को आशीर्वाद और मार्गदर्शन किया। चंडीगढ़ से संवाददाता खुशबू नेप की रिपोर्ट। हमारा हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के तत्वाधान में मनाया जाने वाला बाल महोत्सव, ये एक नई शुरुआत जब मैंने ज्वाइन किया था तब की गई थी। उस वक्त एक दिन के लिए बाल दिवस के तौर पर हम कभी से मनाते आ रहे हैं कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता था जिला लेवल पर भी, और उसके बाद स्टेट लेवल पर जो बच्चे विजेता होते थे उनको राज्यपाल जी जो हमारी संस्था के प्रधान हैं या मुख्यमंत्री जी जो हमारी संस्था के उप प्रधान हैं उनके माध्यम से उन बच्चों को आशीर्वाद और पारितोषिक दिया जाता रहा है। ये तीसरा बाल महोत्सव इस बार जब कोविड महामारी आई तो बड़ा गंभीर चिंता का विषय था। ऑफिस वालों के साथ विचार मनन किया, चिंतन किया और फिर ये निर्णय लिया कि बाल महोत्सव जारी ज़रूर रहेगा और इसको हम सब लोग ऑनलाइन मनाएंगे। और जब समापन हुआ जिस दिन, उस दिन अनबिलीवेबल एंट्रीज के साथ हम लोग 4,31,000 एंट्रियों के साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहे थे। और अंत में जब ये बाल महोत्सव स्टेट लेवल की आई, सारे आंकड़े आए, तो 4,96,850 बच्चों ने इस पूरे बाल महोत्सव में भागीदारी करके। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.